दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 6 से 7 आतंकियों के घुसने की आशंका है, ईद के मौके पर कर सकते हैं हमला। पंजाब के पठानकोट में 4 आतंकियों के घुसने की आशंका है, सूत्रों का दावा। पठानकोट और गुरदासपुर में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, हथियार बरामद किए गए, इंटरनेट सेवा फिलहाल रोक दी गई। मारे गए दोनों ही आतंकी सोपोर के रहने वाले, आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। कश्मीरियों के लिए सीआरपीएफ ने खास हेल्पलाइन शुरू की, नाम दिया मददगार 14411 नंबर पर देश विदेश कहीं से भी मांग सकते हैं मदद। पुंछ में सेना ने इफ्तार पार्टी दी है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सेना और जनता के बीच संबंधों को और मजबूत करने की मुहिम। यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस का बड़ा बयान, कहा भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने की कोशिश हो रही है। यूएन महासचिव ने कहा वो भारत और पाकिस्तान के पीएम से मिल चुके हैं, कश्मीर के मसले पर वार्ता कराना मकसद है। आज 3रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में योग किया। पीएम ने दुनिया को योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की, कहा योग विश्व को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया, राज्यपाल राम नाइक भी मौजूद रहे। तेज बारिश भी लोगों का उत्साह नहीं रोक पाई, लखनऊ में करीब 50,000 लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में योग किया, कनॉट प्लेस में हजारों लोगों के साथ आसन किए। अहमदाबाद के योग कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग किया, बाबा रामदेव ने सीएम विजय रूपानी को भी योगाभ्यास कराया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मानवता के लिए योग को भारत की बड़ी देन बताया, योग दिवस पर देशवासियों को भी बधाई दी। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग, -25 डिग्री टेम्परेचर में आईटीबीपी के जवानों का योगासन। हिमालय से समुद्र तक योग की शक्ति देखी गई, आईएनएस विराट पर लोगों ने योग किया। यूएन हेडक्वार्टर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगासन, कई देश के नागरिकों ने योग किया। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन में हजारों लोगों ने योगासन किए, 150 देशों में भारतीय मिशन पर भी कार्यक्रम आए। चीन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने योग किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी योगासन करने के लिए पहुंचे। मुंबई में पुलिस वालों ने योग किया, बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोरा से सीखी योग की मुद्रा। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस की योग क्लास, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक भी मौजूद रहे। योग दिवस पर सेना के जवानों ने योग किया, कारगिल में 8 माउंटेन डिविजन के जवानों ने योगासन किए। कोयंबटूर में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग के फायदे बताए, राज्यपाल विद्यासागर राव और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा मौजूद रहे। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योग दिवस का विरोध किया, साइकिल मार्च कर केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती आयकर विभाग पहुंची, आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ हुई है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं, बेनामी संपत्ति केस में सुशील मोदी ने बर्खास्त करने की मांग की है। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा का दावा, रामनाथ कोविंद को समर्थन के लिए जेडीयू में सहमति बन गई है, विधायकों के साथ बैठक के बाद फैसला। जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, सजा निलंबन और जमानत देने की अर्जी खारिज हो गई। कांग्रेस नेता कमलनाथ 23 जून को एमपी के नरसिंहपुर जाएंगे, धमना गांव के किसान लक्ष्मी प्रसाद पटेल के कर्ज की वजह से खुदकुशी के बाद परिवार से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में किसानों के 50,000 तक की छोटी अवधि के लोन माफ होंगे, सीएम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया। एसीबी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ ईडी को रिपोर्ट सौंप दी है, सिंचाई घोटाला मामले में पवार के खिलाफ जांच चल रही है। आनंद कुंबले ने टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा देने के बाद कहा मेरे कोच बने रहने से विराट कोहली को परेशानी। अनिल कुंबले ने कहा मुझे बीसीसीआई ने बताया कि विराट कोहली को मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान फाइनल से 2 दिन पहले कुंबले और कोहली में तीखी बहस भी हुई थी, जिस वक्त पूरी टीम वहां मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में खेल पर कोई बात नहीं हुई, कोहली ने कुंबले को अपशब्द भी कहे, कहा खिलाड़ी आपको कोच के तौर पर नहीं देखना चाहते। कुंबले के बगैर वेस्टइंडीज पहुंच गई है टीम इंडिया, बीसीसीआई ने कहा आईसीसी की बैठक की वजह से कुंबले टीम के साथ नहीं जा सके। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10 साल के बच्चे की मौत हुई है, गड्ढे में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। अनचाहे फोन कॉल से परेशान विजय मेहता ने समाज सेवा छोड़ दी, मुंबई लोकल में जरूरतमंदों को दवा मुहैया कराते थे। आगरा के होटल में एसी खराब होने के बाद दारोगा का हंगामा, होटल कर्मचारी के साथ मारपीट भी की। यूपी के गाजीपुर में गंगा के कटान के बाद सैकड़ों लोग बेघर हुए, प्रशासन ने घर देने का वादा किया।
राजस्थान के बारा में शादी के बाद लुटेरी दुल्हन फरार, शादी के लिए दूल्हे ने 75,000 दिए थे। मैरिज ब्यूरो के संचालक समेत दो लोग गिरफ्तार हुए। राजस्थान के बूंदी में बदमाशों ने बाइक सवार पर हमला किया, हमले का मकसद साफ नहीं। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है, गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसक गई, जम्मू कश्मीर हाईवे उसके बाद बंद किया गया। आरबीआई का सभी बैंकों को निर्देश, 20 जुलाई तक बंद हो चुके करेंसी नोट जमा कराया जाए। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के चाइल्ड एक्टर मार्टिन रे से पत्रकार ने बेतुका सवाल पूछा कि आप पहली बार भारत आए हैं। अरुणाचल के रहने वाले मार्टिन ने रिपोर्टर के सवाल का शानदार जवाब दिया, कहा जब वो इंडिया में ही रहते हैं तो इंडिया में पहली बार कैसे आ सकते हैं।